हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर अवधेश राणा आज फिर हाजिर हूँ एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। दोस्तों, इस चैनल में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है खांसी यानी कि कफ। कफ होने के क्या कारण होते हैं, इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। खांसी मुख्यतः जो है इसके कई कारण होते हैं, लेकिन उनमें से सबसे पहला कारण जो होता है पोस्ट नेजल डिस्चार्ज होता है। पोस्ट नेजल डिस्चार्ज यानी कि हमारे मुंह के ऊपर जो है साइनस होते हैं इस जगह पे, और यहाँ पे इथमाइड साइनस एंड फ्रंटल साइनस होते हैं। इसमें किसी तरह का वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो यहाँ पे इन साइनस के अंदर पानी भर जाता है, और यहाँ से ये पानी जो है हमारे पीछे के रास्ते जो है हमारे ट्रेकिया और लैरिंग्स के ऊपर जाकर के गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इरिटेशन पैदा होता है और फिर ये खांसी हमको आती है। इसी तरह से एक दूसरा कारण होता है GERD, जिसको कि हम गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज कहते हैं। इसमें इसको आप एसिडिटी की तरह से समझ सकते हैं। अगर हमारे पेट के अंदर एसिडिटी बन रही है तो वो ऊपर की तरफ आती है और हमारे गले में इरिटेशन पैदा करती है, जिसकी वजह से हमको खांसी आना शुरू हो जाता है। तीसरा कारण होता है COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। यह जो है एक बीमारी उम्र दराज लोगों में देखी जाती है, जिसमें कि हमारे सांस की नलियां जो है उनके जो डायमीटर होता है उसमें कमी आने लगती है, सिकुड़ने लगती है, और जिसकी वजह से उसमें जो है हवा में अवरोध पैदा होता है, जिसकी वजह से खांसी उत्पन्न होती है, और इस तरह से यह भी खांसी का एक कारण बनता है। और चौथा कारण जो होता है एलर्जी होता है। एलर्जी जो है किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे कि खाने पीने से एलर्जी हो सकती है, ठंड गर्म से एलर्जी हो सकती है, खट्टी चीजों से एलर्जी हो सकती है, धूल मिट्टी से एलर्जी हो सकती है, किसी भी तरह की एलर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से जो है जब वो हमारे गले के टच में आती है तो हमें खांसी आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये कुछ कारण थे खांसी के, जिसको भी मैंने आपके साथ शेयर किया। अब हम बात करते हैं कि इसका होम्योपैथिक इलाज क्या हो सकता है। होम्योपैथिक इलाज में खांसी का देखा जाए तो बहुत ही लंबा चौड़ा इलाज है, और एक से एक दवाइयां होम्योपैथी में हैं खांसी के इलाज के लिए। सबसे पहले बात करते हैं बार्किंग कफ। बार्किंग कफ एक तरह का खांसी होता है, और इसमें जो है आवाज काफी मोटी और भारी होती है, और आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आप इस वीडियो को देखिए और इसके साउंड को समझने की कोशिश कीजिए और आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अगर इस तरह की खांसी आपको आ रही है, खांसी की आवाज है, तो आप वहाँ पे रिमैक्स और ड्रोसरा 30 ml, या ये 15 दिन से पुरानी खांसी है तो 200 में आप एक एक बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे टाइप के खांसी के बारे में, जिसको कि हूपिंग कफ कहते हैं। हूपिंग कफ में क्या होता है कि आवाज उतनी भारी और मोटी नहीं होती है, पर यह लगातार होती रहती है। इसको आप और अच्छी तरह से समझेंगे, आप दोबारा से इस वीडियो को देखिए और कोशिश कीजिए। दोस्तों, अगर इस तरह के आपके खांसी में आवाज आ रही है तो इसकी जगह आप जो है ड्रोसरा और स्पॉन्जिया 200 में एक एक बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम ले सकते हैं। अब तीसरी तरह की खांसी के बारे में बात करते हैं, जिसको कि रैटलिंग कफ बोलते हैं, या रैटलिंग टाइप की आवाज आती है इसमें, और इसके सीने में जो है आप स्टेथो लगा के देखेंगे तो काफी खड़खड़ाहट की आवाज होगी। इसको आप भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, आप इस वीडियो को देखिए अच्छी तरह से। अगर इस तरह का साउंड अगर आपके खांसी में आ रहा है तो ये रैटलिंग कफ है। इसमें जो है और काली साल 200 में एक एक बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम ले सकते हैं। अब बात करते हैं, एक ऐसी खांसी होती है कि जब हम खांसते हैं तो इसमें से जो है छोटे छोटे हमारे बलगम के टुकड़े निकलते हैं, जो कि बहुत तेजी से बाहर की तरफ जाकर के गिरते हैं, जिन्हें आप
मेडिसिन ले सकते हैं कोरेलियम रूब्रम, और दूसरी मेडिसिन जो है काली बाइक्रोम 200 में एक एक बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम ले सकते हैं। अब बात करते हैं वीजिंग साउंड कफ की। वीजिंग साउंड कफ जो होता है इसमें जो है आप जब भी स्टेथो चेस्ट पे लगाएंगे तो आपके सीने में जो है एक सीटी बजने की आवाज आएगी, या आपको जब खांसी होगी तो अंदर से एक सीटी की आवाज निकलेगी, इसको वीजिंग साउंड कफ बोलते हैं। इसमें जो है आप ईपिका और ड्रोसरा 200 में ले सकते हैं सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। अब बात करते हैं एलर्जिक कफ। एलर्जिक कफ किसी भी तरह का हो सकता है, धूल मिट्टी ठंड या गर्म या खट्टी चीजों से किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है जिसकी वजह से आपको खांसी होती है। अगर आपको ठंडी चीज लेने से खांसी होती है तो आप आर्सेनिक एल्बम ले सकते हैं, और अगर गर्म चीज लेने से, देखने वाली बात है कि अगर आपको गर्म चीज लेते हैं, गर्म पानी पीते हैं और उसकी वजह से खांसी होती है तो ये कास्टिकम आप इसकी जगह पे ले सकते हैं, जो कि एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स हैं खांसी के लिए। अगर आपको धूल या मिट्टी से या डस्ट एलर्जी से खांसी हो रही है तो ऐसे में आप आर्सेनिक एल्बम और ड्रोसरा ले सकते हैं, या फिर खट्टी चीज खाने से आपको खांसी होती है तो आप जो है सीपीआर 200 में ले सकते हैं। ये सारी दवाइयां आप सुबह दोपहर शाम एक एक बूंद अपनी जबान पे ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि टिकलिंग कफ। इसमें जो होता है कि हम अपने गले को बार बार साफ करने की कोशिश करते हैं, इसकी आवाज जो है जैसे इस तरह की आती है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप इस तरह से अपने गले को बार बार साफ करते हैं या इस तरह से खांसी आती है तो ये टिकलिंग कफ खांसी है। और इसमें जो है आप रिमेक्स 30 या 200 में एक एक बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि खांसी किस तरह से और हो सकती है। जैसे कि आपको अगर मान लीजिए तीन बार लगातार खांसी आती है जैसे कि तो ऐसे में आप जो है क्यूप्रम मेट और स्टेनम मेट ले सकते हैं 200 की पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। अगर यही सिर्फ दो बार आती है जैसे कि सिर्फ दो बार, तो इसका मतलब है कि आप इसमें जो है मर्कसाल और पल्सिटला 200 की पोटेंसी में एक एक बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम ले सकते हैं। लेकिन अगर यही सिर्फ एक बार खांसी आती है जैसे कि तो इसमें आप जो है कलकरिया का 200 में एक एक बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम ले सकते हैं। दोस्तों ये कुछ खांसी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको शेयर किया। हालांकि और भी बहुत सारी तरह की खांसी होती हैं और उन सब का होम्योपैथिक में इलाज है, जिसको कि मैं इस छोटे से वीडियो में आपके साथ नहीं शेयर कर सकता। फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर मुझे मेरे नंबर पे आप मैसेज कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका आपको रिप्लाई दूं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।